जनपद संभल के चंदौसी में आज नगर पालिका परिषद चंदौसी के बाटर बॉक्स कंपाउंड में स्वास्थ्य विभाग के मोटर व्हीकल हेतु गैराज का उद्घाटन चेयरमैन इंदुरानी ने किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी राजकुमार, सभासद प्रतिनिधि तरुण कुमार नीरज, सभासद संजय सैनी, सभासद सागर सूरी, नामित सभासद दिनेश चंद्र अग्रवाल, सेनेटरी इंस्पेक्टर सुनील, प्रियंका सिंह, वजेई निर्माण, जेई जलकल, अन्य समस्त नगर पालिका स्टाफ उपस्थित रहा। जलकल विभाग के बराबर में गैरेज का उद्घाटन किया है, जिसमें नई जेसीबी मशीन का भी उद्घाटन होगा। इसमें ये कि हमारे पालिका में स्वास्थ्य संबंधी और जलकल में बहुत सारे वाहन हैं, उन वाहनों की सुरक्षा हेतु ये गैरेज बनाया गया था। इस गैरेज में हमारे वाहन सुरक्षित रहें, ठीक ठाक रहे, और जेसीबी नई आई है क्योंकि सफाई को लेकर के बहुत ज़्यादा हमें मशीन की आवश्यकता थी, तो एक जेसीबी पहले से है, दूसरी जेसीबी नई और आई है ताकि बहुत अच्छी तरह से नाले की सफाई हो, ठीक ठाक रहे, शहर में सफाई अच्छे से हो, इसलिए हमने गाड़ी का भी उद्घाटन किया है अभी और गैरेज का किया है। नगर के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? नगर के लिए ये संदेश है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और बहुत सारी व्यवस्था नगर पालिका तो अपनी करती है, नगर पालिका ने अपने समस्त साधनों के अनुसार अपना व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि जनता स्वयं भी अपने आप में जागरूक हो कि कूड़ा समय से बाहर डाले। टिपर हमारे गली गली में आते हैं, टिपर कूड़ा लेने के लिए आते हैं, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, तो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग रखें, अलग अलग दें, तो बहुत अच्छे से हम चंदौसी को साफ़ कर सकते हैं, अच्छे से सफाई रख सकते हैं। जिस तरह से हम घर को अपने साफ स्वच्छ रखना चाहते हैं, उससे अपने शहर को भी, नगर को तभी सुरक्षित रख पाएंगे, स्वच्छ रख पाएंगे, स्वच्छ जब हम सब अपने